नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। सीट का नाम तमाड़। प्रत्याशी थे विकास मुंडा जेएमएम से, राजा पीटर एनसीपी से, पूर्व नक्सली कुंदन पाहन निर्दलीय और राम दुर्लभ सिंह मुंडा आसू से। और रिजल्ट क्या रहा? जेएमएम के विकास मुंडा ने आसू के राम दुर्लभ सिंह मुंडा को 30,971 वोटों से हरा दिया है। कुंदन पाहन पूर्व नक्सली को मात्र 2932 वोट मिले, जबकि राजा पीटर 16,517 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे। बीजेपी की रीता देवी 18,052 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। तमाड़ सीट इसलिए चर्चा में रही कि यहां सुपारी देने के आरोपी, सुपारी लेने के आरोपी और जिनकी सुपारी दी गई उनके बेटे मैदान में थे। मधु कोड़ा सरकार में मंत्री रहे रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी गई थी। हत्या की सुपारी देने का आरोप लगा राजा पीटर पर। वो अर्जुन मुंडा की सरकार में उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री भी रह चुके हैं। एनसीपी के टिकट पर मैदान में थे। सुपारी लेने के आरोपी पूर्व नक्सली कमांडर और 15 लाख रुपए का इनामी कुंदन पाहन ने जेल से चुनाव लड़ा। रमेश सिंह मुंडा जिनकी हत्या हुई उनके बेटे विकास सिंह मुंडा इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक हैं। विकास जेएमएम के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। हालांकि 2014 के चुनाव में वह आसू के टिकट पर मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। इस बार आसू छोड़ जेएमएम में आ गए। हालांकि बीजेपी में जाने की चर्चा थी लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए जेएमएम में शामिल हो गए। जेल से चुनाव लड़ने वाले पूर्व नक्सली कुंदन पाहन ने मई 2017 में रांची में पुलिस के सामने सरेंडर किया था। कुंदन पर रमेश सिंह मुंडा, डीएसपी प्रमोद कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या, आईसीआईसीआई बैंक के 5.5 करोड़ रुपए और 1 किलो सोने की लूट के अलावा सांसद सुनील महतो की हत्या, पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या के आरोप हैं। तमाड़ सीट वो सीट है जहां से सीएम रहते शिबु सोरेन हार गए थे। 2009 में मधुकोड़ा की सरकार गिरी, शिबु सोरेन मुख्यमंत्री बने लेकिन विधायक नहीं थे। सीएम पद पर रहते हुए तमाड़ से चुनाव लड़ा। जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजा पीटर को बीजेपी ने समर्थन दे दिया। फिर क्या था, शिबु सोरेन चुनाव हार कर सरकार गंवा बैठे। राजा पीटर ने 1979 में टाटा स्टील में ट्रेंड अप्रेंटिस की परीक्षा दी थी। आदिवासी और मूलवासी कैटेगरी में रिजल्ट में अव्वल रहे। नौकरी शुरू की तो विवाह हुआ मनीषा उर्फ बेला खेस से। इसी बीच को ख्यात डकैत यूनुस के सहयोगी शेखर शर्मा ने राजा पीटर की पत्नी से अभद्रता की। राजा को यह नागवार गुजरा और उसने शेखर को बुरी तरह मारा। चूंकि शेखर अपराधियों से सांठगांठ रखता था, ऐसे में खुद को बचाने के लिए पीटर भी अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ता चला गया। पहली पत्नी के हादसे में मौत हो गई, बाद में आरती कुरी पीटर से उन्होंने शादी कर ली। तो ये थी तीनों जो कैरेक्टर्स थे उनकी प्रोफाइल और साथ ही जो रिजल्ट रहा वो हमने आपको बताया। जेएमएम के विकास मुंडा यहाँ से जीत गए हैं। ऐसे ही तमाम सीटों के हाल हम आप तक पहुँचाते रहेंगे झारखंड से जुड़े। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।